नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में कोरोना की दूसरी लहर भारी कहर बरपा रही है और पिछले 24 घंटे में इसके संक्रमण से 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरे दिन भी 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कोरोना टीके के मूल्य में विविधता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पत्र लेकर कहा कि महामारी के बीच टीके के दाम में मनमानी अनुचित है और मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश के नागरिकों और सभी सरकारों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मिलकर आपदा से लड़ेंगे, तभी भारत बचेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी के पुत्र और दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके वालिया की कोरोना से निधन की खबर पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि क्वारंटीन में रहते हुए मिल रहे दुखद समाचारों से बहुत क्षुब्ध हूँ। छत्तीसगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आई, जबकि अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बीसीआई प्रणीत टोक्यो ओलंपिक गेम्स में सीधे क्वालिफिकेशन में दावेदारी करने वाले भारत के अकेले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। टोक्यो की दौड़ में उनका दावा ओलंपिक क्वालिफिकेशन सूची में उनकी रैंकिंग 13 के माध्यम से है। पेट्रोल डीजल की कीमतें वीरवार को लगातार 7वें दिन स्थिर रही। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर 24 परगना जिले के बिजपुर निर्वाचन क्षेत्र में कुछ छिटपुट हिंसा को छोड़कर 43 सीटों पर 50% से ज्यादा मतदान हुआ। विश्व में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है और दुनिया भर में अब तक 14.38 करोड़ से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 30.58 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से काल के ग्रास बन चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से उन अस्पतालों की लिस्ट मांगी है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। केंद्र ने कहा कि लिस्ट अभी देने के बजाय वो कुछ देर बाद भी लिस्ट दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार कुछ समय बाद भी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर मामले को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया। यूपी में भी कोरोना के कहर के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वाराणसी और आसपास के जिलों में कोविड मरीजों के मरने का दौर लगातार जारी है। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर बने गैस शवदाह गृह में 2400 घंटे शवदाह किया जा रहा है, जिसके चलते शवदाह गृह के ब्लोअर का पंखा पिघल गया है, जिसे बुधवार से ही कोविड शवों के संस्कार का काम रुका हुआ है। कर्नाटक में कोरोना के हालात काफी बिगड़ गए हैं, ये मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा का कहना है। बेंगलुरु के अस्पताल से 6 दिन बाद डिस्चार्ज हुए बीएस येदुरप्पा ने कहा कि कोरोना के कारण हालात काफी खराब हैं। हर घर में करीबन 3 से 4 लोग पीड़ित हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कर्नाटक के सीएम को मनीलाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वो अब बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि लोग घरों से बाहर न आएं, अगर बहुत जरूरी है तो मास्क पहनकर बाहर आएं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश में कहर ढा रही है। यूपी के उन्नाव जनपद से एक दर्दनाक खबर ने हर किसी के हौसले तोड़ दिए हैं। बुधवार को नवाबगंज स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज में कोरोना से 9 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां स्थिति बेहद खराब है और आने वाले दिनों में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नए आदेश जारी करके सरकार ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि नए आदेशों के तहत अब बाजार शाम को 6 बजे ही बंद हो जाएंगे ताकि भीड़ जमा न हो। गैर जरूरी समारोहों व आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं अब कोई भी कार्यक्रम करने के लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य होगी। कोरोना महामारी एक बार फिर से देश में पांव पसारती जा रही है और इसकी वजह से जरूरी सेवाएं बाधित होने लगी हैं। ट्रेनों की आवाजाही पर इसका असर हो रहा है, जिसके चलते रेलवे ने शताब्दी एक्सप्रेस मेल व एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों को रद्द करना शुरू कर दिया है। उत्तर रेलवे ने 2 ट्रेनों को 24 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए रद्द किया है। ट्रेन संख्या 04053 और 04054 नई दिल्ली अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी विशेष एक्सप्रेस, 04525 04526 अम्बाला कैंट श्री गंगानगर अम्बाला कैंट वाया बठिंडा व ट्रेन संख्या 04518 0517 शिमला कालका शिमला विशेष एक्सप्रेस अगले आदेशों तक रद्द रहेगी। पानीपत की स्पिनिंग मिल में काम करते हुए एक मजदूर का हाथ मशीन में फंस गया। मजदूर का शोर सुनकर पास काम कर रही पत्नी ने मशीन बंद कर दी, लेकिन तब तक मशीन मजदूर को पूरी तरह अंदर ले चुकी थी। साथ ही श्रमिकों ने उसे बाहर निकाला और एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जयपुर के बाद अब हरियाणा के जींद में भी कोरोना वैक्सीन चोरी का मामला सामने आया है। पीपी सेंटर का ताला तोड़कर वैक्सीन की 1710 डोज चुराई गई हैं। इसके अलावा कुछ फाइलें भी चोरी की गई हैं, जबकि साथ रखे 50,000 कैश को हाथ तक नहीं लगाया गया। मामले का पता वीरवार सुबह चला जब जींद के स्वास्थ्य निरीक्षक राम मेहर वर्मा सेंटर पर पहुंचे। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना रिकॉर्ड के 9,249 नए मामले मिले हैं। 24 लोगों की मौत हुई है। नए मरीजों व मौतों के ये आंकड़े कोरोना काल के सर्वाधिक हैं। गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन की खपत डेढ़ गुना बढ़ गई है। यह रोज करीबन 60 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। भवानीखेड़ा बस स्टैंड से मंगलवार को उठाए गए 4 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने हांसी के हुड्डा सेक्टर से बरामद किया है। बस स्टैंड से एक महिला बच्चे को खाने की वस्तु दिलाने के बहाने अपहरण कर ले गई थी। लगभग आधा घंटा के बाद पुलिस ने बच्चे को ढूंढने के लिए 8 टीमें गठित की व सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। बुधवार शाम 4 बजे डीएसपी वीरेंद्र सिंह के पास हांसी से फोन आया कि एक बच्चा हुड्डा सेक्टर में सुनसान जगह बैठा रो रहा है। पुलिस ने बिना देरी किए फोन करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची तो बच्चा वहीं मिला। इसके बाद पुलिस उसे भवानीखेड़ा ले आई। अब खबरें पंजाब से। पंजाब के होशियारपुर जिले में वीरवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब टांडा होशियारपुर रोड पर गांव बूरे राजपूता के खेतों में एक महिला का शव खून से लथपथ मिला। खेत का मालिक सुबह काम करने आया तो उसने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बुल्लोवाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतका की पहचान खड़ियाला सैनिया निवासी मनप्रीत कौर के रूप में हुई है। उसका अपने पति के साथ तलाक का केस चल रहा था। पंजाब के तरनतारन जिले में शिरोमणि अकाली दल बादल की पूर्व जिला जनरल सचिव के घर एसटीएफ ने छापा मारा। इस दौरान घर से 1 किलो 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने महिला नेता और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाक बॉर्डर पर पहाड़ीपुर बीओपी के पास 121 बटालियन के जवान गश्त पर थे। इस दौरान बॉर्डर पर कंटीली तारों के पास हलचल सुनाई दी। जवानों ने ललकारते हुए सरहद की तरफ लाइट मारी तो देखा कि 3 लोग भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखते ही जवानों ने एक्शन लेते हुए उन पर गोलियां बरसाई, लेकिन अपना बचाव करते हुए घुसपैठिए वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए। पंजाब के नवांशहर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कार सवार 2 युवकों से 1 किलो हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीबन 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तलाशी में दोनों युवकों से 4 लाख रुपए की ड्रग मनी भी मिली है। जालंधर में भ्रष्टाचार के आरोपी जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर पीके विरदी का घर विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने घेर लिया है। विजिलेंस को शक है कि विरदी घर के अंदर ही हैं, लेकिन वहां ताला लगा है, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने जीटीपी नगर में उनके घर के चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। फिलहाल विजिलेंस की टीम बाहर डेरा जमा कर बैठी थी। युवक को कनाडा भेजने के बहाने लुधियाना के ट्रैवल एजेंट ने ठगी कर ली। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जालंधर की एक सरकारी टीचर के जरिए ही युवक का ट्रैवल एजेंट से संपर्क हुआ। यह ट्रैवल एजेंट सरकारी टीचर का रिश्तेदार भी है। फिलहाल पुलिस ने सरकारी टीचर को क्लीन चिट देते हुए उसके रिश्तेदार एजेंट पर केस दर्ज कर लिया है। अब खबरें राजस्थान से। जोधपुर में इन दिनों शादी का एक कार्ड सुर्खियों में है। अन्य शादियों के निमंत्रण पत्र की तरह इस कार्ड की कोई खास विशेषता नहीं है, लेकिन इस पर बारीक अक्षरों में छपे 301 नाम सभी के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा में आए कार्ड को देखकर प्रशासन भी हरकत में आ गया। बेटा व बेटी की शादी का कार्ड छपवाने वाले सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल मोहनलाल बिश्नोई को नोटिस जारी कर दिया गया है। कल आयोजित भोज के दौरान भी 50 से अधिक लोग पाए जाने के कारण प्रशासन ने वहां कई लोगों को हटा दिया और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत भारदेश गांव में चचेरे भाई बहन ने घर से कुछ दूरी पर एक साथ पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। सूचना पर ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कोरोना महामारी ने एक बार फिर से लेबर क्लास में भय का माहौल बना दिया है। लोग वापस अपने गांव शहर की ओर पलायन करने लगे हैं। हालांकि इस बार राहत की बात बस इतनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है। वहीं इस बार भी बिगड़ते आर्थिक हालातों और आपदा में लोग अपनी जेबें भरने से नहीं चूक रहे। मजबूरी का फायदा उठाकर निजी बस संचालकों ने किराए को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया है। इसके पीछे कारण रेलवे की ओर से सीमित संख्या में ट्रेनें संचालित करना और सीटों की लंबी वेटिंग होना है। लॉकडाउन के बावजूद राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पिछले 5 दिन की रिपोर्ट तो यही कह रही है। लॉकडाउन लगने के बाद 5 दिन में राज्य में संक्रमण 61% बढ़ा है। मौतों का आंकड़ा भी करीबन करीबन दुगना हो गया है। पहली लहर में सरकार ने सिर्फ 12 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया था। तब फैसला लागू होने के 7 दिन के अंदर ही संक्रमण में 20% कमी दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार दूसरी लहर में पूरा सिस्टम हिल गया है। प्रदेश के अस्पतालों के बेड सिर्फ 10 दिन के अंदर फुल हो गए हैं।
सीकर पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल की मौत के एक दिन बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। लाइन में तैनात साथियों में खलबली मच गई है। खास बात यह है कि कांस्टेबल को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। उसकी तबीयत बुधवार दोपहर अचानक बिगड़ी। उसे लेकर एसके अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।